नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ी बर्ड स्पॉन्सर्ड बाय वी रिफाइन एंटरटेनमेंट एंड गुणलाइज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भव्य आयोजन के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन हो सकता है। मई के आखिरी सप्ताह में इसका उद्घाटन होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल 26 मई 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस नए संसद भवन के लिए मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस होगी। ये नई यूनिफॉर्म NIFT ने डिजाइन की है, साथ ही यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना शुरू की थी, जिसमें नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ साथ एक नए संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। नए संसद भवन में लोकसभा फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। ये भवन पूर्ण रूप से भूकंप रोधी है, जिसका डिजाइन SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल है। संसद के नए भवन में एक बार में 1200 से अधिक सांसदों के बैठने की सुविधा है। इसमें 888 सांसद लोकसभा में और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। नए भवन में एक सुंदर संविधान कक्ष का निर्माण भी किया गया है। ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने 4 मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ी बर्ड। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ी बर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ी बर्ड ऐप।